तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं बूलियन डेटा टाइप्स के बारे में। जावा के टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप में एक डेटा टाइप बूलियन होता है, जो ट्रू और फ़ल्स वैल्यू स्टोर कर सकता है। हमेशा याद रखिए, ट्रू और फ़ल्स स्पेशल लिटरल होता है तथा उसका यूज आइडेंटिफायर के जैसा हम कभी नहीं कर सकते हैं। पिछले वीडियो में भी ये इंस्ट्रक्शन हम आपको दे चुके हैं ऑलरेडी। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग बूलियन डेटा टाइप को एक्सप्लोर करेंगे। राइट क्लिक कीजिए, न्यू क्लास जावा क्लास, और यहाँ पे बूलियन डेमो कीजिए और एक फाइल बनाइए। इसमें मेन मेथड हम लोग बनाते हैं, कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए, और हम लोग अभी बूलियन एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। चलिए कुछ डिक्लेयर करते हैं बूलियन बनाने के लिए, बूलियन, और एक ट्रू बनाते हैं, इसमें ट्रू रख देते हैं। देखिए हम यहाँ पे ट्रू रख रहे हैं, टी में ट्रू स्टोर हो रहा है। टी जो क्या है, बूलियन टाइप का है, इसलिए हम ट्रू उसमें स्टोर कर सकते हैं। और इसको जब हम देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें हम लोग टी इक्वल्स करते हैं, यहाँ पे टी को प्रिंट करते हैं और इसको रन कराते हैं बूलियन को, रन फाइल, और यहाँ पे देखिए टी इक्वल्स ट्रू आपको आउटपुट मिल रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इंट एक्स इक्वल्स 10 करते हैं और बूलियन वाई इक्वल्स देते हैं एक्स, क्या 15 से बड़ा है। यदि एक्स जो होगा, सॉरी यहाँ पे गलत है, बूलियन, यदि x 15 से बड़ा होगा तो y में क्या होगा, x जो है 10 है, यानी 10 जो है 15 से बड़ा नहीं होता है, यानी y में यहाँ पे फ़ल्स स्टोर होगा। कैसे उसको देख सकते हैं आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स प्लस y, और इसको हम रन कराते हैं। यहाँ पे फ़ल्स हमको मिलना चाहिए, देखिए y इक्वल्स फ़ल्स हमको मिल रहा है। तो मेनली बूलियन का जो यूज होता है वो ट्रू और फ़ल्स वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। जैसे हम लोग जब भी मेथड बनाएंगे तो मेथड यदि कुछ रिटर्न कर रहा होगा तो हम लोग ट्रू रिटर्न करेंगे, मेथड के पास यदि कोई वैल्यू नहीं होगा तो फ़ल्स रिटर्न करेंगे। और डिटेल्स में हम लोग बूलियन का यूज़ पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में। उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।